रिपोर्ट तुम अबे तब कॉल कर दिया मैं कसम कही थी महतारी कसम है? रिपोर्ट अबे डाल दे तू अपन ताकत लगा ले आपको क्या मिलता है हम ऐसे रजिस्टर बांट दिए जल्दी से आदमी है एक रिवर्स कलेक्टर यहाँ तक हम सब वो कही ले आप हमारा नाम कमलाकांत पांडे सर हुआ। खबर रीवा जिले से है जहां उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को शासन खाद्यान्न उपलब्ध कराता है, लेकिन गरीबों के खाद्यान्न से कोटेदार सेल्समैन अपनी तिजोरी भर रहे हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा हाल ही में दो कोटेदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया, इसके बावजूद भ्रष्टाचारी कोटेदार अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब कोटेदार अनाज के बदले अपनी दुकानों से गद्दा कंबल लेने का ऑफर कर रहे हैं। ताजा मामला सिमरिया तहसील का है, जहां से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे वार्ड क्रमांक 5 के रहने वाले केदार साकेत ने बताया कि कोटेदार रामचंद्र गुप्ता गरीबों का शोषण कर रहा है। पीड़ित ने बताया कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती, जिसके चलते कोटेदार मनमानी पर उतारू हैं। हितग्राही कई किलोमीटर दूर से कोटा अनाज लेने पहुंचते हैं, लेकिन कोटेदार उन्हें खाली हाथ लौटा देते हैं। पीड़ितों ने कहा कि अगर सेल्समैन के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो गरीब उसी दुकान के सामने अनशन करेंगे और अपने प्राण त्याग देंगे। आइए आपको दिखाते हैं कोटेदार रामचंद्र गुप्ता की मनमानी की कहानी, शिकायतकर्ता किस तरह कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बताए हैं। रिगार्डिंग करते रहिए, क्या बोल रहे आप? ये बताइए, हर एक महीना को बांटने का हक है, हर एक महीना में बांटे? एक महीने में 4 दिन कोटा खुलता है। 4 दिन क्यों खुलता है? 4 दिन बंद हो जाता है। और इतनी हाँ इतनी सकरी जगह, वो $2 समा जाएगा हम अटेले। आप ये बताइए कि इतनी सकरी जगह में काहे नहीं बेची थी अपना? चालू करवाओ जल्दी जल्दी से बटे। तुम सलगन के राशन कार्ड जमा कर ले, तुम माल दे, हम ऐसे रजिस्टर बांट दिए जल्दी से। हाँ चालू करवावा ना, तो मशीन दूसरा खरीदा ना मेरे भाई, हम कहते यह है चीज चालू करवावा ना जल्दी। अच्छा चलो, जनता को हक नहीं है चालू करवाने के लिए, आपका हक है चालू करवाने के लिए, आप कोटेदार हैं। उल्टा बात बोल रहे हैं कि आप अटेढ़ी बात, तुम्हारे साथ इतनी सकरी जगह में किसी की बहन बेटी जाए, धक्का लग जाए, कुछ ना बोले, आप ये बताइए, हक नहीं है किसी को बांटने के लिए इतनी सकरी जगह में? यहाँ पे आप बांटो ना, यहाँ पे उल्टा जो दुकान खुली है, धक्का मुक्की जवान लड़कियों को नोट देते हैं भगवान का, अच्छी बात है ये। हमारे करेंगे मैं उस दिन खड़ा था यहाँ पे माल लेने के लिए, आप कर रहे थे नहीं कर रहे थे भाई? आराम से लो, पक्षपात इन्हों को फोटो नहीं गई, पक्षपात हमारा भाई ले ना, हमारा पक्षपात हम वो आदमी है एक रिवर्स कलेक्टर यहाँ तक हम सब वो कही ले हुआ, तो वो जान जाते। आपका नाम क्या है? हमारा नाम कमलाकांत पांडे हर हुआ। सर्वांग व्यक्तियों को मतलब सहयोग देते हैं, और ये जब कोई राम कुमार गुप्ता जी के सहयोगदाता हैं पांडे जी हैं विरोधी, जाति सूचक शब्द का प्रयोग कभी ना कभी करते रहते हैं। जी जी हम कहेंगे बड़ा वाले के लगा भूल बोल रहे हैं भाई, ये बोल रहे हैं मैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जी जी ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मैं, हम रिपोर्ट तुम अबे तब कॉल कर दिया मैं कसम कही थी महतारी कसम है, रिपोर्ट अबे डाल दे तू, तुम अभी तक कॉल रिपोर्ट कर दो, तुम काहे भाग रहे हो? हम अपन ताकत लगा ले, नाम बता। जी जी हम अपन ताकत लगा ले, जाए हो गलत सही करत है, ठीक है नाम बता बता, हम अपन पूरी ताकत नाम बता बता नाम बोलते हैं।
सूचक शब्द का प्रयोग कर रिपोर्ट इनका नहीं रखी दुकान में दुकान मतलब राम ये चाचा जी इनको मतलब गुंडाई में रखे हैं ये पांडे जी हैं और जाति सूचक का प्रयोग कर रहे हैं रिपोर्ट कर दो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ठीक है ठीक है आया ही नहीं दिसंबर में पूरी समस्या का निदान है वो बता देंगे यहाँ दो दुकान में इजाज है अगर हमारी मस्जिद फाइनल है दो दुकान ओपन है वहाँ बंटवा दें इनका गरीबों मतलब वो पूछ जाएगा वहाँ लड़का छोड़ के आई के कुछ छोड़ के आ रहा है भैया बात करो से परेशान है अरे बता दी बना वीडियो इस कोटा में कितने दिन से आप परेशान हो दसम दिन से देख लीजिए ये आदमी दस दिन से परेशान है और गल्ला लेने के लिए लगातार यहाँ आते हैं लेकिन इनको गल्ला कभी सर्वर डाउन है कभी अगले माह लेना कितना मिलता है चावल 35 किलो
चावल कितना मिलता, गेहूँ कितना मिलता आपको? गेहूँ डबला चावल मिलता, तेल का भी लेके गए आप, नमक शक्कर मिला, ये स्थिति था सिमरिया की। यहाँ दस दस दिन से लोग परेशान है बैठे हैं, आप तो कितने दिन से भटक रहे हैं? परसों से, ये परसों से भटक रही है, इनको भी नहीं मिला। माने इसका फोटो लीजिए आप, पहले वार्ड क्रमांक कितने के हैं आप? वार्ड क्रमांक कितने के हैं? ये वार्ड क्रमांक चार के हैं आप, ये पांच के हैं। इसी तरीके महिला यहाँ बैठी है, यहाँ लगाइए आप। कब से परेशान हो यहाँ आप? बार बार कहाँ से परेशान हो? रोज बराबर रोज है, रोज एक माह से परेशान है। इधर दिखाई, एक माह से लेडीजे परेशान है, इनको बल्ला नहीं मिल रहा। आपको क्या क्या मिलता है? अरे चावल का है, चावल सिर्फ बताइए, चावल बस मिल रहा है, क्या मिलता है? चावल बस, तेल मिलता है? तेल नहीं मिलता है, ना नमक मिलता, ना शक्कर मिलता है। बताइए, इस तरीके का परेशान करके यहाँ के कोटेदार धांधलेबाजी करके रहते हैं। के कलेक्टर साहब को देंगे? ये साल एक महीने दो महीने से काफी समय से परेशान हम लोग, किसी भी चीज का कोई भी मतलब लाभ नहीं दिया जा रहा है। ये रामचंद्र गुप्ता करके हैं, इनके इनका कोटा यहाँ खुला है, यानी किसी प्रकार का कोई सामग्री नहीं मिलता, सिर्फ चावल मिलता है, वो भी जब पब्लिक एक माह दो माह परेशान होकर प्रताड़ित होकर मरे रहती है, इसके बाद ये मिलता है। गेहूँ चावल आता है शासन की तरफ से, तो आपको मिलता क्या है? तो आपको क्या मिलता है? चावल मिला था कि क्या मिला? चावल तो चावल कितना मिलता है और गेहूँ कितना देते हैं? दो महीने से गरीब आदमी परेशान है, कहती है कि चावल बस दिया गया बस। अब कहाँ कहा थी? पाँच दिन कहते हैं फिर ना आना, सियान आदमी इस तरह प्रताड़ित है। मैं केदार प्रसाद साकेत सिमरिया से बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर पाँच से। हमारे कोटेदार जो हैं रामचंद्र गुप्ता जी, वो कोटे में बहुत सारी धांधलेबाजी किए हैं और कोई शासन प्रशासन नहीं सुन रहा, तो सारी पब्लिक वाइट है। एक महिला है, उनकी सुनिए जुबा कहानी। आपका नाम क्या है? नाम का है गेंदिया प्रजापति है। तो ये बताइए गेंदिया प्रजापति जी की कब से गल्ला नहीं मिला? तीन महीना से इनको कोई गल्ला नहीं मिला, लगातार आ रही हैं। और क्या क्या सामग्री मिलती है, क्या देते हैं आपको? क्या देते हैं? चावल गेहूँ क्या देते हैं? चावल इनको लगातार दिया जा रहा है, गेहूँ एक भी नहीं दिया जा रहा है। ये बेचारी पैदल आती है और ये वार्ड में कोटा होना चाहिए था, तो इन्होंने अपने घर में कोटा खोल रखा है। शासन प्रशासन आज तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, तो मैं निवेदन करूँगा शासन प्रशासन से कि तत्काल कार्रवाई की जाए, नहीं हम लोग कोटे में ताला मारने की तैयारी करेंगे। मैं केदार प्रसाद साकेत सिमरिया से बोल रहा हूँ, तहसील सिमरिया, थाना सिमरिया लगता है, जिला रीवा है, मध्य प्रदेश। सर आज हम यहाँ आए हैं, हमारे वार्ड क्रमांक पाँच चार पाँच छः सात में कोटा लिए रामचंद्र गुप्ता जी करके, उन्होंने आज तक ना कोई मने जैसे गल्ला मिलता है, गेहूँ चावल और शक्कर नमक मिलता है, तो उन्होंने क्या किया है कि ये सब चीज़ें को माने अगर आदमी 15 दिन वहाँ पर जाएगा तो कभी कहेंगे सर्वर डाउन है, कभी कहेंगे कि कल आना, फिर अगले माह आना, फिर कहेंगे कि मोदी जी ने बोला है कि माने कम्बल ले लो, रजाई गद्दा ले लो, गल्ला मत लो, इसी तरीके करके हम लोग बहुत परेशान होते हैं। वहाँ पर कम से कम न पीड़ित होते 1000 आदमी पीड़ित हैं। हमने कई सारी वीडियो भी बनाई है और यहाँ कलेक्टर साहब के पास निवेदन करने आए हैं कि सर या तो कोटेदार जो गल्ला डीलर उसको बदल दिया जाए, नहीं तत्काल कार्रवाई किया जाए। हम लोग नहीं वहीं पर, जब गल्ला मिलना ही नहीं शासन से, तो भूख हड़ताल करके वहीं हम लोग जान दे देंगे। मतलब कोटेदार का नाम है रामचंद्र गुप्ता और किशन के नाम से उनका चलता है वहाँ पर कोटा, जो गल्ला डीलर हैं। हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं, ये मान लीजिए कि 60 साल 70 साल से जो महिलाएं हैं वो 3-4 किलोमीटर से आती हैं, फिर वहाँ बैठी रहती बेचारी, फिर चली जाती हैं। इसी तरीके का कभी अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, कभी जात सूचक शब्दों का, कुछ गुंडे बदमाश रहते हैं उनके सर मने पनाह देते हैं भीतर,
कोई कुछ बोलने पर मतलब हथियार से लेस रहते हैं, इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठा पाता। हम लोग गरीब व्यक्ति हैं, अगर शासन गल्ला दे रही है तो हम लोग के पास पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो क्या करते हैं कहीं बेच लेते हैं। ये भी है कि जब नाइट का समय होता है तो बेच लेते हैं, फिर कहेंगे कि अगले महीने आना, इस माह का गल्ला नहीं हुआ, मशीन नहीं चालू है, सर्वर बंद है, तभी हम लोग क्या करें। हमने सीओ साहब के पास कल गए थे मौके से, तो उन्होंने नहीं गए, फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष वहाँ पर आए तो वो माने ताला मार के जा चुके थे वहाँ से, तो जब हम लोग पहुँचे तो ताला तुरंत खुल गया और इसके बाद मशीन भी चालू होना हो गई। फिर गल्ला देना माने 100% में माने 20% उन्होंने माने वहाँ पर गल्ला देने का काम किया। अभी माने बहुत प्रताड़ित है, तीन चार महीने से गल्ला नहीं मिला सर। तो मैं निवेदन करूँगा सर कि बिल्कुल हम लोग को गल्ला मिला है। अभी हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं निवेदन करने कि सर इस पे तत्काल कार्रवाई की जाए, अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, कोटेदार जो गल्ला डीलर उनको नहीं हटाया गया, तो हम लोग वहीं पर भूख हड़ताल करेंगे। एक हफ्ते का टाइम दे के जा रहे हैं सर, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर हम लोग के पास खाने के लिए होता तो हम क्यों यहाँ भटकते, बताइए। अगर गल्ला शासन दे रही है, मैं केदार प्रसाद साकेत सिमरिया से वार्ड नंबर 5 से